गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में 2019 में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, और जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में समय दे रही है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस अपने इस किले के कब्जे को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। और राहुल गांधी जिस तरह सोमवार को बयानबाजी की, उससे यही लगता है कि वो अमेठी को फिर से हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के विश्वस्त जयराम रमेश की बातें भी ऐसी हैं जिससे लग रहा है कि राहुल या गांधी फैमिली का कोई शख्स यहां से चुनाव लड़ सकता है। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने से पहले ही यहां माहौल गर्मा चुका है, और राहुल को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ अमेठी में जुटी उससे कांग्रेस जरूर उत्साहित है। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को गो बैक के नारे लगाए, पर यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के नारे बताते हैं कि बीजेपी को भी राहुल के आने से दिक्कत हो सकती है, मतलब चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। अमेठी से वर्तमान में लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है कि दम है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। और स्मृति ईरानी ने कहा कि जो चुनाव जीतने के बाद कभी अमेठी की तरफ देखते भी नहीं थे, आज अमेठी की बात करते हैं। बहुत सुंदर नारा निकला, भीड़ में से आया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और इस एक नारे से आप मेरी राजनीति को, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को आसानी से समझ सकते हो। यात्रा पे बहुत सारे लोग हमारे पास आए, किसान आए, मजदूर आए, गरीब लोग आए, छोटे व्यापारी आए, और जो उनके दिल में था उन्होंने हमें कहा। बेरोजगारी की बताई बात, महंगाई की बात बताई, जीएसटी की शिकायत की, दिल खोल के लाखों लोगों ने हमारे सामने अपनी बात रखी। बीच में दूसरे प्रदेश से भी लोग आते थे, यूपी से आए, बंगाल से, उन्होंने कहा देखिए आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हो, मगर हमारे प्रदेश में तो आप आए नहीं। अमेठी के लोग आए, जिन्होंने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की मगर आपकी यात्रा अमेठी से नहीं आई, ये कैसी यात्रा है, और उसमें सच्चाई भी है, तो इसलिए हमने इस साल दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और आज मैं आपके सामने यहाँ अमेठी में हाजिर हूँ। आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे, उन्हें प्रतापगढ़ सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब किसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। देखिए मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में हर सप्ताह है, इससे अमेठी के निवासियों को आश्चर्य नहीं। जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है, जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं, लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का कि जब वो आए तो सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। ये क्या विवशता थी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा, व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता,
उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं कैसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग दिया, जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। और चलिए तमाम जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए 47 सालों में अमेठी में सिर्फ कांग्रेस दो बार हारी है, 1998 में संजय सिंह की वजह से और 2019 में स्मृति ईरानी की वजह से। और अब बात कर ली जाए, देखिए अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों एक साथ थे और एक दूसरे पर तंज कसते हुए भी नजर आए, लेकिन इस वक्त अमेठी में क्या माहौल है? अगर हम बात करें अमेठी के मामले की, एक दूसरे पर राजनीति में तंज कसना और ये कहना आरोप प्रत्यारोप लगना वो दूसरी बात है, लेकिन अमेठी रायबरेली की बात करें तो कहीं ना कहीं से एक कांग्रेस का गढ़ तो है ही है, परंपरागत सीट तो है ही है कांग्रेस की, और इस आने वाले चुनाव में कांग्रेस चुनौती भी वहाँ देगी स्मृति ईरानी। यद्यपि मोदी लहर एक इतनी बड़ी लहर होती है, मोदी की गारंटी की बात इतनी बड़ी गारंटी होती है कि जनता को सीधे कनेक्ट करती है, फिर भी राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में एक प्रयास किया जा रहा है। पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया गया और इस समय न्याय यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस समय कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को पूरे देश की जनता से कनेक्ट करने की बातें सफल हों, उसमें कांग्रेस प्रयासरत भी है। लेकिन कांग्रेस को असफलता इस रूप में मिल जाती है कि उसके एक से एक बड़े बड़े धड़े के नेता पार्टी से अलग होते हुए दूसरे पार्टियों की तरफ रुख करते हैं, ये कांग्रेस के लिए चुनौती बन जा रही है। और अमेठी रायबरेली की जनता आज भी कांग्रेस के प्रति अपना प्रेम अपना व्यवहार रखती है, चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की ही है। और सोनिया गांधी ने इसलिए भावनात्मक अपील एक पत्र के माध्यम से किया भी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर कोई भी जाता है पार्टी से तो उसको जीत दिलाइए, उसको प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। राघवेंद्र, वही बात कर ली जाए, देखिए अमेठी में मिल रहे जनसमर्थन के बाद कहीं ना कहीं इस जनसमर्थन ने कांग्रेस में जान फूंक दी है और अब कांग्रेस के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं अमेठी को लेकर। बेशक कांग्रेस के लोग उत्साहित हैं और अमेठी रायबरेली में व्यापक जनसमर्थन कांग्रेस को है भी, लेकिन कांग्रेस की इतनी बड़ी यात्रा जो पूरे देश में जा रही है और उत्तर प्रदेश देश का इतना बड़ा राज्य और वहाँ पे अपनी यात्रा को सीमित कर देना, कम दिन में कर देना, ये समझ से परे है। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एस्टेब्लिश होना था, खोए हुए जनाधार को वापस पाना था, कांग्रेस को केंद्र की सत्ता की तरफ मूव कराने का प्रयास करना था, तो उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा आपको ज़्यादा समय देना चाहिए था, रैलियों का जो प्लेटफार्म बने थे उसमें आपको ज़्यादा स्पॉट तय करने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस इससे चूक गई है। और केवल रायबरेली और अमेठी दिल्ली का रास्ता तय नहीं करते हैं, कहते हैं कि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है, तो राहुल गांधी को अपनी इस यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ले जाना चाहिए था, जिससे कांग्रेस चूक गई है और इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। राघवेंद्र, वही बात कर ली जाए, स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि दम है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाए राहुल, यानी कि टक्कर बराबर की दिख रही है, माहौल गर्म नजर आ रहा है। देखिए, ये कहना कि दम है तो अमेठी से लड़कर दिखाएं थोड़ा सा बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली तो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं ही हैं, कांग्रेस वहां से दो बार चुनाव हारी है केवल, तो अगर 75 सालों में कोई पार्टी दो बार चुनाव हारती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जनाधार उसका नहीं है। और दूसरे नेता तो दो जगह से चुनाव लड़ते रहते हैं, वायनाड भी भारत का ही हिस्सा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर अमेठी में स्मृति ईरानी द्वारा अच्छा कार्य किया गया है तो इस बार भी वो अपने मिशन में कामयाब हो सकती हैं और राहुल गांधी को चुनाव हरा भी सकती हैं। और मेरा मानना है कि अगर वर्तमान सांसद तत्कालीन सांसद को चुनौती देता हो कि अगर दम हो तो चुनाव लड़कर दिखाएं, तो राहुल गांधी को इस चुनौती स्वीकार भी करनी चाहिए और अमेठी से आकर स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं।